इंडिया का जो जीडीपी वगैरह वो बहुत ज्यादा है, उनके उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो कंपेयर करना बनता नहीं है। हम हमारा अपना हिसाब है, उनका अपना एक तरीका कार है, और वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, साल गुजर कर गुजर जाती है। इसलिए बड़े मुल्क में भी बैलेंस नहीं बना। इंडिया की बैलेंस बहुत अच्छा है, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और दूसरे इंडिया की ट्रेड बहुत अच्छी है। इसलिए जो जो भी काम कर रहे हैं वो हाई लेवल पे कर रहे हैं इंडिया, और दूसरे पॉपुलेशन में भी इंडिया हमसे आगे है, इनके पास उनके पास वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, अगर बात की जाए पीएसएल की, तो आप पता ही होगा पीएसएल कैसी लीग है, ठीक है, तो क्या राय है आपकी इसके बारे में? पीएसएल हमारा एक ब्रांड है और हमारी क्रिकेट को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हाथ है इसका, ठीक है। हमारे मुल्क में जो क्रिकेट कई सालों से बंद हो गई थी उसको ये प्रमोट किया इसने, और उसकी वजह से इंटरनेशनल जो आपके एथलीट्स हैं वो पाकिस्तान में आए। अच्छा अच्छा सर, अगर देखा जाए कि पीएसएल की अगर बात की जाए, भी पीएसएल कौन सी टीम जीती है पता? पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। अच्छा। और बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ। आप किस स्पोर्ट में थे? मैं वैसे मुल्तान को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि रिजवान की वजह से, क्योंकि चार फाइनल्स तकरीबन हो गए हैं, पहला तो वो जीते थे, बाकी तीन फाइनल्स में वो कामयाब ना हो सके, तो इस वजह से मैं मुल्तान की साइड पे। अच्छा सर, अब ये 22 मार्च को ना आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आईपीएल देखें, आईपीएल का इंडिया का जो जीडीपी वगैरह वो बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो कंपेयर करना बनता नहीं है। हम हमारा अपना हिसाब है, उनका अपना एक तरीका कार है, और वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत आगे हमसे फिल वक्त तो। अच्छा, आईपीएल के अगर बजट की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल का बजट कितना होगा? आईपीएल का बजट वैसे मुझे ऐसे फिगर्स में तो नहीं अंदाजा, लेकिन बहुत ज्यादा होता है, जो प्लेयर्स की जो वहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है तो वो बहुत ज्यादा पैसों में होती है, जो उतने पैसों में हमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा एक अपना ब्रांड है। तो अच्छा, अगर आईपीएल का अगर देखा जाए तो आईपीएल स्टार्ट होने वाला, अब उसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी, और जो ग्रैंड ओपनिंग होगी ना वो 7 बजे तक ना जारी रहेगी, और उसमें सुनने में आ रहा है कि अरिजीत सिंह आकर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अरिजीत सिंह अच्छा सिंगर है, लेकिन बात ये है कि आईपीएल में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, हमारा अपना पाकिस्तान पीएसएल में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा सर, क्या वजह है कि बार बार जब भी आईपीएल आता है इंडिया में तो उनके सिंगर हर बार चेंज हो जाते हैं, कभी कोई? बस बात ये है कि उनके पास सिंगर्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। अच्छा। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो और सारे सिंगर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी सिंगर्स अच्छे हैं। अच्छा। तो उनके पास सिंगर्स ज्यादा हैं, इस वजह से वो चेंज करते रहते हैं। अच्छा, अगर यही इंडिया पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर एक ही सिंगर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आइमा बेग जो है और अजीत अफर बार बार यही आकर वो नेक्स्ट उसका एंथम लिख रहे होते हैं पीएसएल का, बार बार यही क्यों आ रहे हैं, कोई और नहीं मिल रहा? नहीं, बार बार तो नहीं, खैर पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं। पिछले साल तो वैसे उसने जो हमारी जो सिंगर है लेडी सिंगर, उन्होंने गाया था आज ग्रुप वाला, तो इस दफा अली जफर ने चेंज हुआ, तो हमारे भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो अली जफर का ज्यादा अच्छा चलता है एज कम्पेयर टू दूसरे जो सिंगर्स हैं, तो इस वजह से उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है। अच्छा सर, अगर बात की जाए आईपीएल और पीएसएल की, तो आईपीएल की जो होती है वो सेलिब्रिटीज जो होती है वो आईपीएल की टीम्स को बाय कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पीएसएल की टीम को बाय नहीं करते, क्या वजह है? वही तो पैसे का है सारा कुछ, कि हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री के लोग, जो हमारे लॉलीवुड इंडस्ट्री है उनके पास इतना नहीं है कि वो एक पूरी टीम खरीद सके। हाँ, वो ऐसा कह लें कि एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर टीम नहीं खरीद सकते। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पीएसएल को सपोर्ट करें, फरोग दें उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको प्रमोट किया करें, ताकि और भी इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान आए और हमारे पाकिस्तान को एक सेफ जो है दुनिया के आगे, सेफ जो कंट्री है वह दुनिया के आगे उसको प्रेजेंट किया जाए। इस्लामाबाद जीत भाई,
इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया था। आपको उम्मीद थी उसके जीतने की? हाँ जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। वैसे हमें मुझे तो उम्मीद थी कि मुल्तान जीतेगा, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस जो है ना इस्लामाबाद ने अच्छी की है, इसलिए वो जीत गया। अंकल, अगर बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से इंडिया में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये एक्टिविटीज होनी चाहिए, हेल्थी एक्टिविटीज है। पाकिस्तान में भी ये पीएसएल बाद में शुरू हुआ, पहले आईपीएल शुरू हुआ था, वहाँ पे लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, उसके बाद नए नए लड़के बाहर आए और वर्ल्ड कप में जीते हैं, मैच जीते हैं, इंडिया अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब माशाल्लाह पाकिस्तान के भी लड़के काफी अच्छे आ रहे हैं, जैसे सैम अयूब है लड़का, ये बड़ा अच्छा नया लड़का उभर के सामने आया, इसी तरह बॉलर भी हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह ताला आगे परफॉर्मेंस दिखाएंगे वर्ल्ड कप में। अकल, अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, ठीक है, तो अब इसकी जो ग्रैंड ओपनिंग होनी है ना, वो हर साल की तरह और ज्यादा शानदार ग्रैंड ओपनिंग होती है, तो आपको अब क्या लगता है कि अब बार आपकी बार की ग्रैंड ओपनिंग कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, इंडिया असल में हमारे मुल्क से बड़ा मुल्क है, और दूसरी का इंडिया की ट्रेड बहुत अच्छी है, हमारे मुल्क में अभी बैलेंस नहीं है, जबकि हुकूमतें बदलती रहती है, दो दो तीन तीन साल गुजर गुजर जाती है, इसलिए हमारे मुल्क में अभी बैलेंस नहीं बना। इंडिया की बैलेंस बहुत अच्छा है, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और दूसरे इंडिया की ट्रेड बहुत अच्छी है, इसलिए जो भी काम कर रहा है वो हाई लेवल पे कर रहा है इंडिया, और दूसरे पॉपुलेशन में भी इंडिया हमसे आगे है, इनके पास उनके पास वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी है। सर, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जब ग्रैंड ओपनिंग हो रही है ना, वहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं अरिजीत सिंह आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब कैसी होगी उनके अरिजीत सिंह के आने के बाद? अच्छी है, लेकिन हमारे भी कम नहीं है किसी से, हमारी भी आईमा बेग है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है, अली जफर है बेहतरीन परफॉर्मर है, उसके साथ और भी दो तीन लड़के आए हैं, मैंने देखी है उसमें, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में ये है कि इंडिया के ये वरायटी ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा वरायटी इंडिया के पास है, नए से नए लड़के हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी। लेकिन सर, वहाँ पर हर साल ना जो सिंगर है वो चेंज होता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें ना, तो यहाँ पर लगातार 3-4 साल से आयमा बेग और अली जफर ही करते आ रहे हैं। असल में बात यह है, इंडिया के पास ऐसी अकेडमी है जहाँ पे वो जो लड़की है ना सिंगर वो तैयार होती है वहाँ पे, इसके लिए वो लड़के ऊपर के बाहर आ जाते हैं, हमारे प्रॉपरली तौर पे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी अकेडमी नहीं है जहाँ पे सिंगर तैयार होकर बाहर आते, इसलिए उनके सिंगर जो हमसे अप होते हैं अच्छी परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान को अपने सिंगर्स को लाने के लिए अब कुछ करना भी चाहिए या फिर बस बैठ के देखना ही चाहिए? नहीं, असल में बात ये है, अब हुकूमतें नहीं आई है, इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, ये भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कोई भी आई है, अब इसकी ये गवर्नमेंट का सिस्टम तो ठीक हो गया, अब इधर की तरफ लोग ध्यान करेंगे, गवर्नमेंट भी ध्यान करेगी और लोगों के इस परफॉर्मेंस में आगे लेके जाएगी। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि जब अरिजीत सिंह आएगा तो वो जो हमारी ऑडियंस है उनको किस तरीके से एंटरटेन करेगा? अच्छे करेंगे एंटरटेन, लेकिन ये नहीं है, इंडिया तो इंडिया, हमारा मुल्क अपना मुल्क है, हमारी परफॉर्मेंस चाहे हल्की है जैसे मर्जी, हमारा अपना मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए बात करेंगे, हमें अपने ही मुल्क अच्छा लगता है, चाहे वो इंडिया से कम है, कम किसी भी में नहीं है, थोड़ा सा मसले मसाइल पाकिस्तान में है, महंगाई। क्या मसले मसाइल है? महंगाई बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, रोजगार के मौके कम हुए, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आ रहा, अर्निंग आ नहीं रही, पाकिस्तान में एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान के हालात खराब। अच्छा, तो आप पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर करने के लिए सर क्या करना चाहिए? हाँ, पाकिस्तान को अपने हालात करने, पहले तो बात है हमारी ट्रेड अच्छी होनी चाहिए, दूसरे मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे, साइंस की तरफ ध्यान दें, अब तो आई टी में तो बहुत दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान भी आगे जा रहा है, इसके ऊपर खास फोकस होना चाहिए। सर देखिए, अगर बात करें इंडिया के ओपनिंग की, तो वहाँ पर अब जब जिस दिन ग्रैंड ओपनिंग है 22 मार्च को, तो उसका जो फंक्शन है वो 7 बजे तक जारी रहेगा, और वहाँ पर हर सेलिब्रिटीज भी आएंगे। हाँ जी, क्यों नहीं आएंगे, हमारे यहाँ पे भी आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हमारे यहाँ पे ना आते हो, लेकिन वहाँ पर जो होते हैं ना सेलिब्रिटीज टीम को बाय कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो बाय कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं कर सकते, इंशाल्लाह फ्यूचर में, नियरेस्ट फ्यूचर में हम भी लोग स्टेबल हो जाएंगे कि हम भी बाय कर सकते। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है कि आईपीएल में कौन सी टीम के जीतने के चांसेस हैं ज्यादा? इंडिया में आईपीएल जीतने के, जिस टीम में वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, लाजमी बात है वही जीतेगी जिसने परफॉर्मेंस करी। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट वो? हाँ, दिल्ली 11 जो है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है टीम, उसमें खिलाड़ी भी अच्छे हैं, यंगस्टर खिलाड़ी भी हैं, मेहनत करने वाले खिलाड़ी। अच्छा, अब ये आईपीएल का ना बजट भी पास किया गया, तो आपको क्या लगता है कि कितना कोई बजट दिया गया होगा आईपीएल के लिए? बहुत ज्यादा दिया गया, इंडिया के पास पैसा बहुत है, फिर भी अंदाजन अरबों के हिसाब से दिया होगा, लाभिबंद अरबों के हिसाब दिया, ये मुझे उसकी फिक्स डिटेल करना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल का बजट कितना का होगा? पीएसएल का बजट 2-2.5 अरब का। बस
और आईपीएल का इतना ज्यादा क्या रीजन है? क्या रीजन है इतना डिफरेंस? वो इसमें हमारी हर चीज में डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में 33 रुपया तो इंडिया की 1 रुपया बनता है, जबकि इंडिया के पैसे की वैल्यू हमसे ज्यादा ना, तो उसकी लामी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वैल्यू भी अच्छी है, पैसे भी अच्छा है, बिजनेस उनका अच्छा है, गवर्नमेंट भी उनकी अच्छी चल रही है, सिस्टम भी अच्छे चल रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, दुनिया में सारी दुनिया में वो ट्रेड कर रहा है, मुल्क पैसा उनके पास आ रहा है, इसलिए उनके पास बजट जा रहा है। सर लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लिए अच्छी दुआ। और क्रिकेट से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं चूंकि खुद भी क्रिकेटर रह चुका हूँ, मैंने भी खेला हुआ मैच LCC की तरफ से, रमीज हमारा कैप्टन था, आपस में रमीज था, मैं था, ओपनिंग करते थे हम लोग। तो क्रिकेट अच्छी चीज़ है, यंग बच्चों को क्रिकेट की तरफ आना चाहिए। दूसरी एक्टिविटी जो अच्छी नई एक्टिविटी सेहत के लिए, उससे तो क्रिकेट बेहतरीन है, उसकी तरफ आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।